বাচ্চা ময়লা ইউ নিকালো সরি नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरे 10 दिन कंप्लीट कर चुकी है और इन 10 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ताबड़तोड़ कमाई की है और सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे करते हुए 2019 की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 जो कि एक कॉमेडी फिल्म है और हाउसफुल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट है, इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 25 अक्टूबर के दिन रिलीज किया गया था, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार सर के साथ रितेश देशमुख और बॉबी देओल नजर आए थे। दोस्तों बता दें आपको कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी कॉमेडी के लिए काफ़ी जानी जाती है और इसी कारण से दोस्तों हाउसफुल 4 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के लिए दूसरे स्टार्स के पीआर टीम ने काफ़ी ज़्यादा बैड नेगेटिविटी की थी, उसके बाद भी सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ 8 लाख रुपये की कमाई की, वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन था वो रहा था 141 करोड़ 31 लाख रुपये का। सेकेंड वीक में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की और अपने 8वें दिन इस फिल्म ने जहां कमाए 8 करोड़ 5 लाख रुपए, वहीं अपने 9वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए 10 करोड़ 10 लाख रुपए और अपने 10वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने एक बार फिर से काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और बिहार, गुजरात, मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज में दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और कमाए है लगभग 16 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका था लगभग 175 करोड़ 50 लाख रुपए का, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 240 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म आज अपने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। और बता दें आपको दोस्तों कि आज भी कई सारे शहरों में छुट्टी होने के कारण इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 28 से 30% की, आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 35 से 40% की, वहीं दोस्तों इवनिंग की जो इस फिल्म की एडवांस ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 45 से 50% की। यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने 11वें दिन यानी कि दूसरे मंडे को भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ की कमाई आसानी से करने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और सुपरस्टार सलमान खान की कई सारी फिल्मों को क्रॉस करते हुए यह फिल्म 2019 की 5वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 85 करोड़ रुपए का और जो भी क्रिटिक्स इस फिल्म को फ्लॉप बता रहे थे उनके मुंह पर दोस्तों इस फिल्म ने एक कड़ा तमाचा जड़ा है, जिन्होंने इस फिल्म को काफी गलत रिव्यूज दिए थे। उसके बाद दोस्तों ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों ये फिल्म आज 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस को देखते हुए एक बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि आज के टाइम पे क्रिटिक्स कुछ भी रेटिंग्स दे दे, पब्लिक को अगर फिल्म पसंद आती है तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म की कमाई को देखते हुए ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आराम से 230 से 240 करोड़ की कमाई करने वाली है और हो सकता है दोस्तों कि ये फिल्म अक्षय कुमार सर के करियर की पहली 250 करोड़ी फिल्म भी बन जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म और कितनी कमाई कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आज ही हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज़ मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।